हेलो किड्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 19 चैप्टर ग्रेट लीडर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहली आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी पिक्चर है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे बेटा? वो क्या थे? वो अमेरिका के, हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, और कब से? 1861 से और 1865 तक रही हैं अमेरिका में, जब उसके अंदर, जब अमेरिका में लॉन हुआ, उसके 16 प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है, जब वहाँ पे वॉर हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे, जब वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तब उन्होंने बहुत एक अच्छे नेता के रूप में वो आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इसकी बागडोर को संभाला। तो इसीलिए क्या है, वो एक पढ़ के फेमस प्रेसिडेंट माने जाते हैं, अब्राहम लिंकन। ठीक है, सेकेंड है आपके पास, ये जो पिक्चर है ये किसकी है? हो ची मी कौन के थे? ये भी क्या थे बेटा? ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नॉर्थ वियतनाम के 1945 से लेके 1955 तक। ठीक है, और इन्होंने भी सबसे, ये भी क्या है, एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनकी नेशनलिटी क्या थी? वियतनाम रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, जो नेक्स्ट आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर का नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है इसका? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला क्या थे बेटा? ये फॉर्मर, ये हमारे प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ये एक रिवोल्यूशनरी, ये पॉलिटिकल लीडर भी थे इनके। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर ये प्रेसिडेंट 1994 से लेके 99 तक रहे हैं, और एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने बहुत सारी, मतलब जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकेशन, मतलब डेमोक्रेसी जो होता है भारत में, जैसे भारत के अंदर है, एक डेमोक्रेसी इलेक्शन इन्होंने शुरुआत कराई थी। इसीलिए जो नेल्सन मंडेला है वो हमारे पास बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो आप सब जानते ही हो इनको, इनके बारे में तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, या बताने की ज़रूरत है? बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक इंडिया के इंस्टेंसिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक तरह से हीरो भी कह सकते हैं इंडिया का, जिन्होंने क्या किया, जब हमारे पास ब्रिटिश ने जब रूल करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, हम लोगों को अटेम्प्ट करवाया था कि हम, उसके बाद उन्होंने हमारे लिए बहुत, हमारी लड़ाई में बहुत मदद की थी, और ये कब तक रहे थे? 1897 से 1945 तक इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर क्या किया था, हमारे इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अवार्ड भी इनके लिए नाम पे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, फिर है आपके पास सिक्स्थ पिक्चर, ये पिक्चर कोई बता सकता है किसकी है? देखो सारे, ये पिक्चर है बेटा रोजा पार्क्स की। ठीक है, रोजा पार्क क्या थी बेटा? रोजा पार्क आपके पास एक अमेरिकन एक्टिविटी थी, जिन्होंने सबसे पहले किस लिए किया था, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स भी कहा जाता है, रोजा पार्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज योर ऑफ जोन ऑफ आर्क। ये पिक्चर सी पॉइंट है, जोन ऑफ आर्क, जोन ऑफ आर्क है बेटा, जिनको हम एक तरह से सेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक पहली लेडी थी जिन्होंने, जो एक फ्रांस की थी, और इनका मेन मकसद क्या था, इन्होंने सबकी हेल्प की थी। ठीक है, जब आपकी, जब इनको एक कैथोलिक सेंट भी कहा जाता है, जिनका मेन मकसद क्या था, इन्होंने सबकी हेल्प की थी, जब वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई के अंदर इन्होंने क्या किया कि हर एक जितने भी लोग थे उन सबकी वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते थे, इसलिए इनको हम सेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पिक्चर रह गई आपके पास, पिक्चर नंबर 8, ये है आपके पास फ्लोरेंस नाइटमेयर। ये फ्लोरेंस नाइटमेयर जो है, फ्लोरेंस नाइटेंगल क्या है बेटा, इसको, इनको हम बोलते हैं द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था बेटा, सबसे पहले इनका क्या था, जो नर्सिंग के अंदर, मतलब जो नर्स थे, इन्होंने, इनका जो, ये जो यहाँ के, इनका जो मेन था, इन्होंने, इनका मेन जो, इनका बर्थ था, इनका बर्थ हुआ था ब्रिटिश में हुआ था। ठीक है, फिर भी इन्होंने क्या सोचा था कि ये लोगों की मदद किया करती थी, ये हॉस्पिटल में जाके, इन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में जाके लोगों की मदद करती थी, फिर इनको लगा कि हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है, तो इन्होंने साफ़ सफाई के लिए, सुविधाओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो नर्सिंग में सबसे पहले जो इन्हें रेवोल्यूशन लेके आया है वो इन्होंने लेके आया है, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटेंगल। नाइटेंगल का मतलब क्या है, या इनको कहा जाता है द लेडी विद द लैम्प, यानी कि दीपक महिला। ठीक है, तो आप सबको पता लग गया इनके बारे में। ओके बेटा, दिस चैप्टर इज ओवर।